उत्तराखंड की सरकार ने क्या कर लिया, आप इसी के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह के सारे छात्र हमारे सारे मेडिकल के छात्र हैं, ये दोन मेडिकल के छात्र हैं, और इनके साथ जो हो रहा है वो निहायत शर्मिंदगी की बात है। अगर यही लोग इस टाइप पे बैठ जाएंगे तो फिर वही हाल होगा इस प्रदेश का जो अभी 4 दिन पहले हुआ था कि पिथौरागढ़ से आती हुई महिला इलाज ना होने की वजह से रास्ते पे दम तोड़ देती है, और वो भी प्रेग्नेंट लेडी जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था, वही हाल होने वाला है। और झूठ का पुलिंदा हमारी उत्तराखंड सरकार, आप देखेंगे कि ये सरकार कहती है कि हमें डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है तो क्या मेडिकल कॉलेज बंद कर देंगे। ये सरकार कहती है बार बार कि हमारे यहाँ तो फुलफिल हो चुके हैं सब चीज़ें, हम सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। ये है कॉलेज के छात्र, ये मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। आप भी आंखें खोलिए अपनी और देखिए कि आज हमारा फ्यूचर सड़कों पे आ चुका है। अगर यही हाल इस देश का रहा और हमारे प्रदेश का खासकर, तो हमारे लोग सड़कों पे मरते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर्स की आज मैं दून में गई थी, और उस दून हॉस्पिटल का हाल ये है कि जब मैंने लोगों से पूछा और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत चाहिए थी वहाँ, तो उनका कहना ये था कि हमारे बहुत से डॉक्टर किसी भी उस पर नहीं है, और किसी तरह की यहाँ पे मशीनें नहीं हैं। अब ये हाल जब दून हॉस्पिटल का हो रहा है तो गरीब कहाँ जाएगा। ये सरकारी छात्र हैं, ये सरकारी मेडिकल के लिए छात्र हैं। आप दो तरह के कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी। सरकारी ये फीस का मसला है, और सरकारी कॉलेज में इसलिए पढ़ता है छात्र कि वो नहीं पैसा होता है तो सरकार किस लिए कॉलेज बनाती है। अगर सरकार ने और प्राइवेट कॉलेज ने बराबर की फीस लेनी है फिर ये सरकारी नाम क्यों लगाया जाता है। प्राइवेट भी उतनी फीस ले रहा है और सरकारी भी उतनी फीस ले रहा है। ये बच्चे आज फीस के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। अपने पड़ोसी प्रदेश में जाके देखेंगे आप कि वहाँ 60,000 तक का आपको सालाना 60,000 रुपये आपकी फीस है, और हमारे यहाँ 8-9-10 गुना बढ़ा दी गई है फीस। 4-4 लाख रुपए की इनसे डिमांड की जा रही है। आप भी बताइए लोगों को कि आपके साथ क्या जातियाँ हो रही है। मैं सभी का सीनियर हूँ, 2018 बैच, और जैसा कि हम सभी जानते हैं मेडिकल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी इसके लिए, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में मेडिकल एजुकेशन की जो फीस है वो 4 लाख रुपये ट्यूशन फीस। लेकिन अगर निकटवर्ती राज्यों को देखें जैसे कि हिमाचल है, वहाँ पे फीस करीब 60,000 रुपये है। तो ऐसे में जो गरीब बच्चे हैं जो मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो होशियार हैं कर सकते हैं, तो ऐसे लोग भी पीछे रह जाते हैं, और इसी वजह से जो कट ऑफ है वो भी नीचे चली जाती है। तो हमने अभी शासन के पास मांग रखी है 80,000 की फ़ीस की। तो शासन से आश्वासन ही मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कैबिनेट मीटिंग में मुद्दा उठाया नहीं जा रहा है। तो बस हम इतना चाहते हैं कि फीस 80,000 तक कर दी जाए, जिससे कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी MBBS कर सकें। देखा आपने, ये मेडिकल का छात्र है और आप ये बता रहे हैं कि उनकी व्यथा क्या है। उनकी व्यथा को सुनकर मैं आप लोगों को आश्वासन दे के जा रही हूँ, हम अपने स्तर पर इस मसले को उठाएंगे, और उठाएंगे ही नहीं बल्कि इस फीस को उसके मुकाम तक कि 80,000 आपने बोला, गवर्नमेंट को इतनी ही फीस लेनी चाहिए। हम अपने स्तर से ये लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ और किसी भी बच्चे के साथ जो देश का फ्यूचर है उनके साथ इस तरह की ज्यादती होगी तो बाकी हमारे और इदारे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा हमारा उत्तराखंड खड़ा है। हम जानते हैं कि मेडिकल के बिना, अभी आपने देखा कि कोविड में किस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि वो हमारी नाकामी थी। और एक नाकामी ये हो गई कि जो मेडिकल के छात्र हैं आप उन्हीं को नीचे से नीचे स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फीस तो गवर्नमेंट को नहीं दी जाएगी, इसके लिए हम सारे लोग आपके साथ मिलकर खड़े होंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे कि उतनी फीस बच्चे से ली जाए जितनी वो अफोर्ड्स कर सकते हैं, या हमें ये बता दें कि सरकारी में और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क होता है। धन्यवाद। सत्य के